नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। जिसका इंतजार था उस ऐतिहासिक राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया। 1045 पेज के इस फैसले में कई ऐसी बातें हैं जो पहले आपने देखी और सुनी नहीं होगी। इसी में खास बात यह भी है कि पहले ही जजों में आम राय बन गई थी कि फैसला एक मत से दिया जाएगा, सो फैसला एक मत से आया। लेकिन 1045 पेज के फैसले में 929 पेज का मुख्य फैसला है और बाकी जो 116 पेज है उसमें से एक जज ने अपनी अलग राय दी है। और अलग राय कोई ऐसी वैसी राय नहीं दी है, बहुत ही उन्होंने चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने जो भी साक्ष्य एविडेंस देखे, जो भी तर्क सुने, उसके बाद उनका कंक्लूजन है उस 116 पेज के फैसले में। तो वो क्या हो सकता है, वो जज कौन है? तो चूंकि ये सहमति बनी थी कि एक राय से देना है, इसलिए उस जज का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने अलग से लिखित नोट देने वाले जज साहब ने लिखा है कि अपने नोट के आखिरी पेज पे वो लिख रहे हैं कि तीन गुंबद वाली जगह राम का जन्म स्थान है। यानी कि वो कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो तीन गुंबद वाली जगह है उसी के नीचे राम का जन्म हुआ। अभी तक बहुत सारे लोग इस बात पे तर्क वितर्क करते रहे हैं कि आखिरकार कैसे मान लिया जाए कि गुंबद वाली जगह ही राम का जन्म स्थान है। और जो भी इसमें पक्षकार थे, विपक्ष में थे, खासतौर से मुस्लिम पक्ष, वो इसी चीज़ को डिस्प्यूटेड करते थे कि कैसे इस चीज़ को मान लिया जाए। ये तो मान लेते थे कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन राम का जन्म वहीं पर तीन गुंबद के नीचे हुआ ये कभी मुस्लिम पक्ष ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन के बहस में ये स्वीकार किया कि चबूतरे पे के आसपास राम का जन्म हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे यू टर्न ले लिया था। और ये जो जगह है, तीन गुंबद वाली जगह है, वो चबूतरे से दूर अंदर की तरफ है, जिसके बारे में माना यह जाता है कि वहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी और इसको वही तीन गुंबद वाली जगह कही जाती है। तो इसमें जज साहब ने कहा है कि राम जन्म स्थान पर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया और ये इनका नाम तो नहीं डिस्क्लोज किया गया, और तीन गुंबद वाली जगह पे ही भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी कि पांच जजों में से एक जज की ऐसी राय है, जानबूझ करके उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी बात है, क्योंकि आप यदि 116 पेज अलग से दिया गया है, उसमें जजों की राय दी गई है, संभवतः, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन संभवतः यही सहमति बनी थी कि फैसला एक राय से दिया जाएगा और आप अपनी अलग राय जो कमेंट करते हैं वो अलग से कमेंट कर सकते हैं। तो वही वो 116 पेज वाला पार्ट है जिसमें एक जज ने कहा कि गुंबद के नीचे राम का जन्म हुआ, उन्होंने इस बात को माना है। अब देखते हैं, धीरे धीरे ये भी बात हो सकती है कि खुले कि किस जज ने ये राय दी। क्योंकि आपको यदि थोड़ा सा इतिहास में ले चलूँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो तीन जजों की बेंच थी, वो जो फैसला हुआ था तीन भागों में बांटा गया था, वो 2-1 की राय से बांटी गई थी और एक जज की अलग राय उसमें थी। उस बात को सुप्रीम कोर्ट रिपीट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उससे जो है मैसेज ठीक नहीं जाता है। तो संभवतः इसकी वजह से एक राय से फैसला तो दिया गया, लेकिन जजों की राय उसमें अलग अलग है और एक जज की राय क्लियर कट है कि तीन गुंबद के नीचे ही राम का जन्म स्थान है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।